क्या आप कभी हैरान हुए हैं कि आदमी एक सर्टेन तरीके से बिहेव क्यों करते हैं जो कि वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा औरतें एक्सपेक्ट करती हैं? क्या एक औरत के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि आखिर आदमी क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं? क्या ये समझना इतना मुश्किल है कि एक रिलेशन में दोनों पार्टनर को क्या चाहिए? क्या हम एक दूसरे के तरीकों को समझकर अपने पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आज की वीडियो एक ऐसी बुक पर बेस्ड है जो सभी औरतों और सभी आदमियों के लिए डेडिकेटेड है। इस किताब का नाम है एक्ट लाइक अ लेडी थिंक लाइक अ मैन व्हाट मेन रियली थिंक अबाउट लव रिलेशनशिप इंटीमेसी एंड कमिटमेंट, जिसे स्टीव हार्वे ने लिखा है। इस वीडियो में हम इस बुक के कुछ जरूरी और गजब के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आदमी रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजों से दूर हो जाते हैं क्योंकि औरतें कभी समझ नहीं पाती कि आदमी कैसे सोचते हैं, और इस बुक में कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो इन सबको बदल सकती है। आदमियों की जिंदगी में काफी सारी जरूरतें और चिंताएं होती हैं जिन्हें वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जैसे सिक्योरिटी, कल की उम्मीद, स्पिरिचुअलिटी, बॉडी इमेज, एजिंग, दोस्ती, बच्चे, वर्क लाइफ बैलेंस, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। एक आदमी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इन सारी चीजों पर वैसे रिएक्ट करेगा जैसे औरतें चाहती हैं, तो ये कभी काम नहीं करेगा। जब आप ये सोचकर एक रिलेशनशिप में जाते हैं कि आप अपने पार्टनर को बदलने जा रहे हैं, तो वो सबसे खराब और सबसे बेकार की चीज है। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी औरतें मैगजीन के कवर से, टीवी टॉक शोज में और ब्लॉग्स पर क्या बता रही हैं। आदमियों में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कभी नहीं बदलने वाली। इस बुक के साथ आप आदमियों के दिमाग में उतर सकते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि वो आपके साथ रहने की प्लानिंग बना रहे हैं या सिर्फ आपके साथ खेल रहे हैं। इसलिए एक औरत की तरह एक्ट करें और एक आदमी की तरह सोचें। एक आदमी का माइंडसेट। आदमी सिंपल होते हैं, इसे पहले अपने दिमाग में फिक्स कर लें। और इस वीडियो से आप आदमी के बारे में जो कुछ भी देखेंगे वो आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपको कुछ और जरूरी सच को समझना होगा, जो है कि आदमी इस बात से ड्राइव होते हैं कि वो कौन है, वो क्या करते हैं और वो कितना कमाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी CEO है या CFO है, और जो कुछ भी करते हैं वो उनके टाइटल से फिल्टर होता है। इसके बारे में सोचे, जिस पल से एक लड़का पैदा होता है उसके आसपास के सभी लोग सबसे पहले उसे ये बताते हैं कि उसे असली आदमी बनने के लिए क्या करना चाहिए। उसे टफ बनना सिखाया जाता है, रेसलिंग करना, बिना रोए उठना और किसी को भी अपने आप को पुश ना करने देना। लड़के के बड़ा हो जाने के बाद भी मैनहुड की चाह नहीं बदलती, असल में वो और बढ़ जाती है। जब तक उसे नहीं लगता कि उसने अपने मिशन को हासिल कर लिया है, तब तक उसका ध्यान हमेशा इस पर रहता है और हमेशा रहेगा कि वो कौन है, वो क्या करता है और वो कितना कमाता है। और जब तक एक आदमी ये चीज करता है, तब तक औरतें बस उनकी लाइफ के खालीपन में ही फिट होती हैं। वो तब तक सेटल होने, बच्चे पैदा करने या किसी के साथ घर बसाने के बारे में नहीं सोच रहे होते जब तक कि वो उन तीनों चीजों को एक साथ ना कर लें। अगर आदमी वो कौन है, वो क्या करते हैं और वो कितना कमाते हैं इनका पीछा नहीं कर रहे हैं, तो वो बर्बाद हैं। ऑथर के शब्दों में वो मर चुके हैं। लेकिन जिस पल वो पजल को समझते हैं और महसूस करते हैं कि उनके सपने शेप ले रहे हैं, तो नई लाइफ उनके अंदर सांस लेती है। ये उन्हें वाइब्रेंट बनाता है। मेल स्पीसीज के DNA में ये इनकोडेड है कि उन्हें परिवार का प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर बनना है, और वो जो कुछ भी करते हैं वो ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि वो ऐसा कर सके। अगर एक आदमी अपने बच्चों के लिए जूते के जोड़े खरीद सकता है, तो वो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंटली स्कूल भेज सकता है कि उसके बच्चों को पैरों में चोट नहीं लगेगी। अगर वो सब्जी की दुकान से सब्जी खरीद सकता है, तो वो सिक्योर महसूस कर सकता है कि वो अपने परिवार को खिला सकता है। एक आदमी बस ये सब चाहता है। अगर कुछ भी कम हुआ तो वो एक आदमी की तरह महसूस नहीं करता। इससे भी ज्यादा वो ये महसूस करना चाहता है कि वो नंबर वन है, वो बेस्ट बनना चाहता है। वो जानते हैं कि वो हर सिचुएशन में सबसे आगे नहीं रहने वाले हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो वही बनने जा रहे हैं जिसे हर कोई जवाब देता है, क्योंकि ये आदमी के लिए बहुत जरूरी है। आदमी डींग मारने का हक चाहते हैं, कहने का हक कि मैं नंबर वन हूँ। औरतें इस बात पर ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन आदमियों के लिए ये सब कुछ है। इसे हासिल करने के बाद ये जरूरी है कि उन्हें नंबर वन होने के बाद जो कुछ भी मिलता है वो उसे दिखा सके। वो इसे औरत को दिखाना चाहते हैं, वरना नंबर वन होने का क्या फायदा, क्योंकि उनकी दुनिया में उन्हें बाकी आदमियों द्वारा जज किया जाता है इस बेसिस पर कि वो कौन है, वो क्या करते हैं और वो कितना कमाते हैं। और हाँ, ये आदमी के मूड को भी इफेक्ट करता है। अगर आप जानते हैं कि वो वहाँ नहीं है जहाँ वो होना चाहते हैं, तब घर में उनका मूड आपके लिए ज्यादा मायने रखेगा। अगर उनका दिमाग पैसे कैसे बनाए इसके ऊपर है या अच्छी पोजीशन पाने के ऊपर है, तो वो आपके साथ बात करने के लिए नहीं बैठ सकते हैं या परिवार के बारे में सपने नहीं देख सकते हैं।
ऑथर के एक्सपीरियंस में ये फैक्ट ज्यादातर औरतों के साथ हमेशा अच्छी तरह से नहीं बैठते हैं। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई आदमी आपसे सच्चा प्यार करता है तो आप दोनों को अपने सपनों को एक साथ पूरा करने में कैपेबल होना चाहिए। चाहे आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, आप दोनों को अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन एक साथ बनानी चाहिए। ये बात सम्मानजनक है, लेकिन रियलिटी में ये वो तरीका नहीं है जिस तरह से आदमी काम करते हैं। अगर वो लाइफ में उस जगह पर नहीं है जहां वो होना चाहते हैं, तो आदमियों की नज़र प्राइस पर होती है और जरूरी नहीं है कि वो प्राइस आप ही हों। आदमियों के लिए दोनों पर ध्यान देना इम्पॉसिबल है, वो इतने ज्यादा गिफ्टेड नहीं है। इस प्लेनेट पर किसी भी चीज को एक औरत के प्यार से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये काइंड, कंपैशनेट, स्वीट और सबसे जरूरी प्योर है। अगर आप उनके पार्टनर हैं, तो वो आपके लिए पानी पर चल सकती हैं, पहाड़ को भी पार कर सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे काम किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पागलपन वाले काम किए हैं। अगर आप उनके पार्टनर हैं, तो वो आपसे तब तक बात करेंगी जब तक कि कहने के लिए और शब्द ना बचे। जब आप बीमार हैं, तो वो आपको अपनी बाहों में रखेंगी, और जब आप अच्छे लेवल पर या अच्छे मूड में हैं, तो वो आपके साथ हंसी हुई मिलेंगी। और अगर आप उनके पार्टनर हैं और वो औरत वास्तव में आपसे प्यार करती हैं, तो जब आप में धूल भरी होगी तो वो आपको चमकाएंगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, कितनी बार उनके दोस्त कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, चाहे आप कितनी भी बार रिलेशनशिप का दरवाजा बंद कर दें, वो तब भी अपना सबसे बेस्ट देंगी और आपके दिल को जीतने के लिए कोशिश जारी रहेगी। तब भी जब आप ये देखने के लिए हर उस चीज को कर लें कि वो आपके लिए सही नहीं है। ये एक औरत का प्यार है, ये टाइम, लॉजिक और सभी सरकमस्टेंसेस पर खरा उतरता है। किसी भी औरत से पूछें कि वो एक आदमी से किस तरह का प्यार चाहती हैं, और आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि वो हम्बल और स्मार्ट, फनी और रोमांटिक, सेंसिटिव और जेंटल, और सबसे ऊपर सपोर्टिव हो। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी आंखों में देखें और मुझे बताएं कि मैं सुंदर हूँ और मैं उन्हें पूरा करती हूँ। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो दर्द होने पर रो सके, जो मुझे अपनी मदर से अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ मिलवाए, जो बच्चों और जानवरों से प्यार करता हो, और जो डायपर्स बदलने और बिना बोले प्लेट धोने में मेरा साथ दे। और अगर उसके पास एक अच्छा शरीर और बहुत सारा पैसा हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ये सब उतना जरूरी नहीं है। इस तरह का प्यार ये परफेक्शन है, और ये एक आदमी से उम्मीद करना अनरियलिस्टिक है, क्योंकि आदमियों का प्यार औरत के प्यार जैसा नहीं है। एक आदमी का प्यार अलग होता है, बहुत ज्यादा सिंपल, डायरेक्ट और शायद थोड़ा हार्ड। एक आदमी जो आपसे प्यार करता है, वो शायद आपको ये बताने के लिए हर आधे घंटे में फोन नहीं करेगा कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका प्यार अब भी प्यार है, ये उस प्यार से बिल्कुल अलग है जो औरतें करती हैं। अगर आप सिर्फ ये पहचान लेते हैं कि एक आदमी कैसे प्यार करता है, तो आप ये समझ पाएंगे कि वो आपके सामने खड़े हैं और आपको अपना सब कुछ दे रहे हैं। अगर वो आपको वैसा प्यार नहीं करते जैसा आप चाहती हैं, तो ये ना सोचें कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई आदमी आपसे प्यार करता है? सिंपल, वो इन सब कामों को करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, तो वो सबको ये बताने के लिए तैयार रहेंगे कि देखो, ये मेरी पार्टनर है, ये मेरी बंदी है। अगर आप किसी लड़के को कम से कम 90 दिनों से डेट कर रहे हैं और आप उनकी मदर से कभी नहीं मिले हैं, या आप एक साथ कभी मंदिर नहीं जाते हैं, या आप उनके परिवार या उनके दोस्तों के आसपास ज्यादा नहीं रहे हैं, और सबसे जरूरी, अगर वो आपको अभी आपके नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपको अपने फ्यूचर में नहीं देखते हैं। लेकिन जिस पल वो आपको एक टाइटल देते हैं, जिस पल वो आपके लिए उन लोगों के सामने दावा करते हैं जो उनकी लाइफ में कुछ मायने रखते हैं, चाहे वो उनके सिस्टर हो या फिर उनके भाई, तब आप ये जान सकते हैं कि आपके पार्टनर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो आपके लिए अपने इरादों का दावा कर रहे हैं और उन्हें उन लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जिन्हें इस जानकारी को जानने की जरूरत है। एक अनाउंसमेंट की है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई आदमी आपके बारे में दावा करने के बाद आपके बारे में सीरियस है। लेकिन याद रखें कि एक आदमी को क्या ड्राइव करता है। असली आदमी जो कुछ भी करते हैं, वो ये पक्का करने के लिए होता है कि उनके परिवार पर कभी भी कोई दिक्कत ना आए। और अगर वो इससे कुछ भी कम कर रहे हैं, तो वो आदमी नहीं है, या हमें कहना चाहिए वो आपके पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो शायद ये सब किसी और के लिए करेंगे, लेकिन आपके लिए नहीं। अब पैसों के अलावा भी काफी चीजें हैं। आपके पार्टनर ब्रोक स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी पावर में जितना होगा वो करेंगे। अगर आपके पास सब्जियां कम है और अगर वो आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, तो भी वो आपको भूखा नहीं रहने देंगे। जिससे वो प्यार करते हैं और जिसकी वो परवाह करते हैं, पैसों से या मेहनत से, वो उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। ये एक आदमी के डीएनए का हिस्सा है, और अगर वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, तो वो आपको बिना किसी लिमिट के ये सारी चीजें देंगे। जब कोई आदमी आपसे सच्चा प्यार करता है, तो जो कोई भी आपके लिए बुरा करने के बारे में कहता है, करता है या सोचता भी है, तो उनके मिटने का खतरा होता है। आप इस प्लेनेट के किसी भी मेल स्पीसीज को पिक करें, और ये सबके लिए सच है,
प्रोटेक्शन किसी के खिलाफ ब्रूट या फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है। एक आदमी जो वास्तव में आपकी परवाह करता है या आपसे प्यार करता है, वो आपको दूसरे तरीकों से प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो उसके एडवाइस हो या किसी ऐसे काम को करने के लिए कदम बढ़ाना हो जो उन्हें लगता है कि वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। एक आदमी का प्यार केवल 3 कैटेगरीज में फिट होता है, प्यार के 3 पीस, प्रोफेस, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट। हो सकता है कि वो आपकी ऑफिस पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने आपके साथ ना जाए, लेकिन एक रियल आदमी आपको उस पार्टी में ले जाएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे और गर्व से आपको पूरी पार्टी में उनके पार्टनर कहकर इंट्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है कि वो आपको गले ना लगाएं और बीमार होने पर आपका हाथ पकड़कर बिस्तर पर ना बैठें, लेकिन एक रियल आदमी जो आपसे प्यार करता है ये पक्का करेंगे कि दवाइयाँ ठीक से ली जा रही हैं, आपके लिए सूप बनाएंगे और पक्का करेंगे कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते सब कुछ ठीक से हो, और वो अपनी मर्जी से चाहे डायपर ना बदलें, डिशेज ना साफ करें और हॉट बाथ के बाद आपके पैरों को साफ ना करें। लेकिन एक रियल आदमी जो आपको प्यार करता है, वो अगर कोई आपको हर्ट करने या नुकसान पहुंचाने का ट्राई करेगा तो वो पक्का पहाड़ और पानी पर भी चल जाएंगे। आप इतना विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिला है जो आपके लिए ये सब करता है, तो मेरा यकीन मानिए वो आपके लिए सब कुछ है। और हाँ, अगर वो ये सारी चीजें करते हैं तो उन पर शक करना छोड़ दें। 3 चीजें जो हर आदमी को चाहिए। औरतें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आपको सामान चाहिए और आप उम्मीद करती हैं कि आपके पार्टनर उसे आपको प्रोवाइड करें, भले ही आपने ये नहीं बताया कि आपको किसकी जरूरत है और क्या चाहिए। यहाँ तक कि जो चीज आप 5 मिनट पहले चाहते थे वो पूरी अलग है जो चीज आपको अभी चाहिए उससे। इनफैक्ट ऑथर ने बार बार मजाक में कहा है कि एक औरत पूरी तरह से तब सेटिस्फाई हो पाती है जब उसे 4 अलग अलग आदमी मिले, एक बूढ़ा, एक बदसूरत, एक मैंडिंगो और एक के। अब वो चारों कम्बाइन हो गए हैं, उन्होंने आपको कवर कर लिया है। अब आदमी इसके अपोजिट बहुत ही सिंपल क्रिएचर हैं, उन्हें खुश करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। वास्तव में सिर्फ 3 चीजें हैं जिनकी हर आदमी को काफी जरूरत है, सपोर्ट, प्यार एंड द कुकी। बस 3 चीजें। एक औरत के लिए अपने पार्टनर को सपोर्ट, प्यार और फिजिकली सौंपना आसान है क्योंकि ये उनकी बनावट में है। सपोर्ट और प्यार ऐसी चीजें हैं जो औरतें फ्रीली करती हैं, तो ये 3 चीजें आपके लिए नेचुरल हैं और ये सब आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। जितना ज्यादा आप उन्हें ये फील करवाएंगे कि वो स्पेशल हैं, उतना ही वो बदले में आपको देंगे। एक औरत को अपने पार्टनर को ये कहना चाहिए, डार्लिंग मैं आपको बता नहीं सकती कि आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो करते हैं उसको मैं कितना ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। ये सिंपल वर्ड्स आदमी को आपके और आपके परिवार के लिए सही काम करते रहने की शक्ति देते हैं। अगर इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिले तो सैलरी को घर लाने से काम पर ज्यादा मेहनत करने तक, चाहे कुछ सिंपल सा छोटा काम करना हो, वो इसे और ज्यादा बार करेंगे। उस रिवॉर्ड के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता, वो बस दिल से आता है, थैंक यू बेबी, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। आप नहीं जानते कि ये आपके पार्टनर के लिए कितना जरूरी है। वो थोड़ा सा इनकरेजमेंट उन्हें और ज्यादा करने के लिए प्रेरित करता है। आप सोचते हैं क्योंकि वो हार्ड हैं और वो आपको गले नहीं लगाना चाहते तो उन्हें इनकरेजमेंट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उनको जरूरत पड़ती है। समझे कि आदमी का प्यार एक औरत के प्यार से बिल्कुल अलग होता है। एक औरत का प्यार इमोशनल, नर्चरिंग, हर्टफेल्ट होता है, स्वीट और दयालु और सभी को शामिल करने वाला होता है। और जब वो आपसे प्यार करती हैं तो वो आपके लिए लॉयल होती हैं। वो खुद को किसी और के साथ नहीं देख सकती, ये एक औरत का प्यार है। लेकिन आदमी के लिए प्यार का मतलब लॉयलिटी है। वो चाहते हैं कि आप लॉयल रहकर उन्हें अपना प्यार दिखाएं। इसका मतलब है कि कुछ भी हो आप उनके साथ खड़े हों। अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो जानते हैं कि आप उनके साथ रहने वाले हैं, भले ही उन्हें सैलरी ना मिल रही हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास होती हैं तो आप बड़े एक्साइटमेंट के साथ उनसे ये कहेंगी कि ये मेरा बंदा है, मैं उनके लिए लॉयल हूँ। आदमी को लव मेकिंग की जरूरत है, वो इससे प्यार करते हैं, वो इसके बिना जी नहीं सकते और ये उन्हें कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चाहिए होता है। उनका घर ले लो, उनकी नौकरी ले लो, लेकिन प्लीज कुकी पर रोक ना लगाओ। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं है, उन्हें उस पार्टनर के साथ फिजिकल रूप से जुड़ने की जरूरत है जिससे वो प्यार करते हैं, जो उनके साथ लॉयल है और उन्हें सपोर्ट करती हैं। इमोशनल चीजें जैसे कि बात करना, गले लगाना, हाथ पकड़ना और बॉन्डिंग, ये सब औरतों की बातें हैं। आदमी इन बातों को इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनके पार्टनर के लिए जरूरी है। लेकिन प्लीज समझें, लव मेकिंग से ही आदमी कनेक्ट हो पाते हैं, तो उन्हें वो चीजें देने की कोशिश करें जो वो दिल से चाहते हैं। आदमी वही क्यों करते हैं जो वो करते हैं, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको आज रात पा सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट डिफाइन नहीं करती हैं, तो आप फ्री हैं, बस खेल शुरू हो जाता है। वो जानते हैं कि वो आपको कम से कम एफर्ट से बेड पर ले जा सकते हैं,
लेकिन अगर आप उनके सामने बताती हैं कि आपको उनका टाइम, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी अटेंशन चाहिए, तो वो जानते हैं कि आप आसानी से नहीं मानेंगी और उन्हें कुकी लेने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। एक आदमी दो रीजन से फिशिंग करता है, या तो फिश के साथ खेलने के लिए, या फिर वो खाने के लिए पकड़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो या तो सबसे बड़ी फिश पकड़ने के लिए ट्राई करेंगे, उसकी एक तस्वीर लेंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे और उसे वापस पानी में फेंक देंगे, या वो इस फिश को घर ले जाएंगे, उसे फ्राई करेंगे और अपनी प्लेट में रखेंगे। आदमी औरत को जिस तरीके से देखते हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक जरूरी बात ये है कि आदमी डिसाइड नहीं करते हैं कि आप एक स्पोर्ट्स फिश हैं या एक कीपर फिश, ये आप ही हैं जो डिसाइड करती हैं। इसलिए प्लेयर को नापसंद ना करें, खेल को नापसंद करें। जब कोई आदमी आपके पास आता है तो आपके पास सिचुएशन का पूरा कंट्रोल होता है, चाहे वो आपसे बात कर सके, आपके लिए एक ड्रिंक खरीद सके, आपके साथ डांस कर सके, आपका नंबर ले सके, आपको घर ले जा सके, फिर से मिले, वो सब। वो आपसे ये चीजें चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे बात शुरू की। लेकिन ये आप ही हैं जो ये तय करती हैं कि क्या आप उस आदमी को वो सब कुछ देने जा रही हैं जो वो चाहते हैं। आप आदमी की आंखों में कहां स्टैंड करती हैं वो सिचुएशन पर आपके कंट्रोल से डिक्टेट होता है। आपका कहा गया हर एक वर्ड, आपका हर एक मूव, आपके सारे सिग्नल्स उन्हें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि क्या उन्हें आपके साथ खेलने की कोशिश करनी चाहिए, आपके साथ स्ट्रेट रहना चाहिए या फिर किसी और के पास जाना चाहिए। एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर वो आदमी एक जिम्मेदार, थॉटफुल, प्यार करने वाला बेटा है तो वो वास्तव में कभी भी अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होगा, जब तक कि वो एक ऐसी औरत को नहीं चाहता जिसे वो प्यार करता है और जो उसे वापस से प्यार करती है। अपनी लाइफ में शामिल सभी लोगों के लिए क्लियर रहे कि वो आपके रिलेशन की रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी भी। कैसे वास्तव में उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी मदर के साथ उनकी बातचीत उनकी वाइफ के स्टैंडर्ड को काटती है। आदमी दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं और वो जो आप चाहते हैं उसका आइडिया लगाने में पूरी तरह से इनकैपेबल हैं, तो आपको बोलना होगा। अक्सर वाइफ क्लोज रिलेशन की बाउंड्रीज के वायोलेशन के बारे में बोलने में हेजिटेट फील करती हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें छोड़ देंगे, कि अगर उन्होंने अपने पार्टनर और उनकी मदर के बीच एक दरार डालने की कोशिश की तो वो उनकी बजाय अपनी मदर को चुन लेंगे। लेकिन आदमी इस तरह से काम नहीं करते। अगर आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं और वो एक रियल आदमी है, तो वो अपनी पार्टनर को खुश करने के लिए और अपनी मदर को भी खुश करने का एक तरीका ढूंढेंगे, ताकि रिलेशन में इन्वॉल्व सभी लोगों के लिए वो काम कर सके और सब कुछ स्मूथ वे में चले। आदमी धोखा क्यों देते हैं लेडीज? यहाँ पर प्राइमरी रीजन ये है, एक आदमी के पास हमेशा ये जस्टिफाई करने का एक रीजन होता है कि वो गलत क्यों कर रहा है, और वो कारण हर आदमी और हर औरत के लिए अलग होते हैं। हालांकि आपके लिए समझना जरूरी है कि उन्हें पता है कि किसी आदमी के रीजन की परवाह किए बिना औरत अपने दिमाग में बार बार सोच सकती है कि मैंने ये सही नहीं किया, मैं ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैंने उनसे उतना प्यार नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, मतलब अपने आप में हर तरह से कमियां ढूंढना। लेकिन फैक्ट अब भी वही है कि इन सबका चीटिंग करने से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसलिए औरत को खुद को आदमी के चीटिंग एक्शंस के दोष से फ्री करने की जरूरत है। बस अपने लिए ऐसा करें, क्योंकि उस बैग को पकड़ कर रखना आपके लिए पैरालाइजिंग हो सकता है, आपको अपंग बना सकता है और आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन आप कितनी बार धोखा देखती हैं उस नंबर को आप लिमिट कर सकती हैं। देखिए, आपके साथ होने वाली चीजों को लिमिट करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो वो पावर क्या है? आपके पास पर्सुएशन की पावर है, आपके पास इंट्यूशन की पावर है, और ये आपकी मदद करेंगी। अगर आप किसी आदमी को सामने से बता देती हैं कि आप बहुत सी चीजों को सहन कर लेंगी लेकिन धोखा उनमें से एक नहीं है, तो उन्हें असल में ये बात पता चल जाती है कि अगर वो यूनियन से बाहर निकले तो वो यूनियन के बाहर ही रहेंगे और ये आपको करना ही चाहिए। और अगर वो इस प्रॉमिस को तोड़ते हैं तो आपको उनसे मूव ऑन करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको या तो उन्हें जाने देना होगा या उन्हें अपने दिल से माफ करना होगा और उनके साथ कंटिन्यू करने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन इन दोनों के बीच के रास्ते को ना अपनाएं। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।